देखो, टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग एंड किया। टेबल का यूज हम बहुत करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में। जैसे एक्सेल सीट होती है ना, वो भी इस तरह की टेबल की फॉर्मेट भी होती है ना। टेबल स्टार्ट किया, टेबल एंड किया, टेबल के अंदर आता है टी हेड। टी हेड मतलब टेबल की हेडिंग, फिर टी एच, टी आर, टी आर मतलब टेबल का रो, ठीक है। आईडी एक्शन, ठीक है। मैंने क्या किया, टेबल टैग से स्टार्ट किया, टेबल टैग एंड किया, फिर टी हेड मतलब टेबल की हेडिंग, टी आर मतलब टेबल की रो, और टी एच मतलब टेबल हेडिंग, है ना। तो ये हेडिंग वाला काम हमने कर लिया। अगर मैं रन करूँगा ब्राउजर पे, देखो इस तरीके से आ रहा, आईडी, नेम, रोल, ईमेल, है ना। इस पूरी टेबल को मैं क्या करता हूँ, पहले एक सेंटर टैग के अंदर रख लेता हूँ। पूरा कॉपी किया, कट किया, इसमें डाल दिया, और ये थोड़ा अंग ले लिया, और ये थोड़ा गैपिंग कम कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी के अंदर की बॉडी मुझे क्या डालना होगा, डेटा डालना होगा इसके अंदर। डेटा सेंटर पे आ रही है, मैं यहाँ पे एक दो बीआर लगा देता हूँ। नीचे आ गई थोड़ी। अब टी बॉडी के अंदर टी आर, टी आर स्टार्ट किया, टी आर एंड किया, फिर इसके अंदर टी डी, टी डी मतलब टेबल डेटा, तो पता होगा सबको क्या क्या फील्ड है इसके अंदर। रॉल नंबर बेसिक। अब मैं थोड़ा पहले पढ़ा लेता हूँ, इतना को इतना मैंने काम करा लिया, अब मैं थोड़ा आपको पढ़ा दूंगा पहले, फिर अपन वेब पेज बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर वेब पेज बनाएंगे, ऐसे चलते हैं। और क्या इसके बाद कॉलेज दे दी मैंने, मांग आई टी एम यू। ये हमारी कौन सी टेबल है, डेटा टेबल, जो हमें हमेशा बैक एंड में यूज करनी होती है। व्यू एडिट, डिलीट, ठीक है। आ रहा है इतना एक रिकॉर्ड। अभी ये टेबल वाला फील नहीं आ रहा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा बंद कर लूं और इसको थोड़ा बंद कर लूं, रिकॉर्ड डाल दी दो तीन, देखो ये आ रहा है। अभी कहीं फील आ रहा है टेबल वाला, सिंपल सी लग रही है एकदम टेबल, सिंपल सी बिल्कुल। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो टी बॉडी बंद कर लिया, जो टी हेड बंद कर लिया, देखो टी हेड में क्या है, टेबल की हेडिंग है, और टी बॉडी में क्या है, टेबल का डेटा, और टेबल स्टार्ट किया, टेबल एड किया, ये पूरा कोड बंद हो रहा है। अब मैं लगाता हूँ थोड़ा स्टाइल इसके अंदर, मैं लिखा टेबल कमा टी आर कमा टी एच कमा टी डी, सब पर मैं क्या कर लेता हूँ, विड्थ 600 पिक्सल और हाइट कर देता हूँ 50 पिक्सल, बॉर्डर कर देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड। देखते क्या बनाते हैं सर, इतना बन के आ गया। और टैक्स अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सब सेंटर में जाएंगे, बन गया।
अब एक चीज देखो, ये टेबल कम बटन ज्यादा लग रहे हैं। मिसाल लोग बटन लग रहे हैं, ये देखो ये बटन बटन है ना, तो डबल डबल बॉर्डर आ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, एक बॉर्डर हटाना पड़ेगा इसमें से पहले, ठीक है। हाइट बढ़ाना चाहो तो हाइट बढ़ा दो, आपकी इच्छा है। तो मैं ये डबल डबल बॉर्डर आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो एक क्लास होती है इसके लिए, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो अब फिल आ रहा टेबल वाला। अब मुझे क्या करना है, एक ऊपर हेडिंग डालनी है, एक हेडिंग ऊपर इसके टेबल डेटा नाम से। तो मैं इसके अंदर आऊंगा, इसके अंदर हाँ टी हेड के अंदर, लिखा मैंने टी आर स्टार्ट किया, टी आर एंड किया, लिखा मैंने पी एच और लिखा हाँ टेबल डेटा, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्लास लगाई। अब देखो अभी जब मैं लिखूंगा तो ये कहाँ सो होगा, देखो तो ये यहाँ सो रहा है, मुझे इसको बीचों बीच में सो कराना है। तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो अपन क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन 6, ठीक है। अब देखना अंतर, अगर मैं 5 कर दूंगा तो इतना रह जाएगा, ठीक है। 6 लगा ली, 6 तक आ गया, देखो बन गया टेबल। बाकी लोगों को बन गया टेबल, समझ में आया टेबल। पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, फिर और बताता हूँ टेबल के अंदर चीजें। एक बताओ, फाइल टेबल डॉट एचटीएमएल नाम से टेबल क्लियर हो गया। अब देखो अब समझते हैं कि फॉर्म क्या बनाते हैं। फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखेंगे हम लोग, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फील्डें कौन कौन सी होती है वो आज हम देखेंगे। आज हम डिजाइन पे काम नहीं करेंगे, आज हम देखेंगे जो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना उसकी फील्डें कौन कौन सी होती हैं। क्लियर हो गया, अब देखो सॉल्यूशन। अब देखो हाँ इसमें थोड़ा काम बता देता हूँ, इसमें काम करा देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये व्यू एडिट डिलीट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप आइकन भी लगा सकते हो, ये दिख रहे हैं यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, आइकन्स पता है ना सबको कैसे लगाने होते हैं, आइकन लगा लोगे खुद से। देखो फॉन्ट ओसम, कॉपी किया, यहाँ पे आया स्क्रिप्ट, पेस्ट कर लिया, ये लगाना चाहो तो ठीक है ना, मैं डालता हूँ लिया। अब मैं चलता हूँ कहाँ पर, फॉन्ट ओशम की वेबसाइट पर, ये वाली आइकन्स पे क्लिक कर लोगे। अब और यहाँ पे सर्च करते हैं व्यू नाम से, व्यू है ना अपना, व्यू व्यू में आता है आंख वाला आइकन, ये आइकन ले लिया, क्लिक किया, देखो सब लोग कैसे लगाते हैं।
दिखवागे जे आइकन कलर देना चाहो तो वो भी दे देंगे अभी है ना, पे लगा दूं। अब एडिट में कौन सा लगाते हैं, ये पेंसिल वाला, ये आपके हमेशा काम आएगा, आगे चल के बैकएंड पे भी काम करोगे तब। और डिलीट पे कौन सा लगाते हैं, डिलीट ये आ गया मग वाला डस्टबिन। तो आ गए तीनों, और लगाना चाहो तो लगा देना, स्टाइल बैकग्राउंड क्रीम ये डाल दो, ऐसे लग रहे हैं। कलर देना चाहो तो कलर दे देना, लगा के स्टाइल कलर जो भी आपको देना हो आप अपने बाद में आप दे देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देख रहा है वो आपकी इच्छा, आप जो भी कलर बाद में देना चाहें, स्टाइल कलर रेड इसको दे देता हूँ मैं ग्रीन, ग्रीन ठीक है। आपसे जगह देखने में तो ये लिंक मैं दे रहा हूँ चैट में, आप लोग लगा लो फटाफट से। फटाफट आप लोग लगा लो, और जो आइकन्स वाला ये दे देता हूँ आइकन्स वाला, ठीक है चैट से ले लो सब लोग। कौन जगह दे दी मैंने, सब लगा लें आइकन्स भी लगा लो सब लोग। बाकी लोग कौन का चलो अब देखो अब बनाते हैं अपन क्या फॉर्म, चलो फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म एंड किया। फॉर्म देखो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं ना उसके अपन कुछ फील्ड समझेंगे। मैंने अब लिखा नेम, देखो सुन लो नेम लिखा इनपुट, ओके अपन क्या करते हैं उसके अंदर इनपुट टाइप करते हैं ना, इनपुट टाइप में टेक्स्ट, ठीक है। अगर रन करूंगा ब्राउजर पे तो आप देखें दिख रहा है आपको इनपुट, फिल्डर टाइप करते हैं कुछ भी तो हम क्या बोलते हैं इनपुट बोलते हैं। इनपुट जो टाइप में क्या लिखना होता है मुझे टेक्स्ट लिखना होता है, आप ये भी लिख सकते हो प्लेस होल्डर में एंटर
योर नेम, बोले क्या रहा एंटर योर नेम, और जैसे ही मैं टाइप करूंगा उसी हट जाता है वो, ठीक है। अभी नेम क्या होता है ये आपको बताऊंगा अभी आगे चलते। इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे वीआर लगाया, पेस्ट किया। अब मैंने कर दिया ईमेल, ईमेल और टैब में यहाँ पे क्या आएगा, ईमेल आएगा, एंटर योर ईमेल करा है। फिर बिया लगाता हूँ, पासवर्ड, पासवर्ड टैप में क्या आएगा, पासवर्ड लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पासवर्ड कहीं से होता है, देख रहे हो पासवर्ड कहीं से होता है, देखो हेलो इतना। वीआर लगाया, एक वीआर और लगाया। अब मैंने यहाँ पे लिखा नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे क्या, डेट ऑफ बर्थ, डी डॉट ओ डॉट वी, इनपुट टाइप में डी ओ वी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डी ओ वी मतलब डेट ऑफ बर्थ। सॉरी सर, डेट आएगा, डेट, डेट कैलेंडर आ गया, देखे आ रहा है तो कैलेंडर, सब लोग देख लो कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, समझ में आ रही फील्ड है। ये तो फॉर्म में फील्ड होती है हमारी जो बढ़ते जाते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ। देखो भैया लगाया, फोन, सब हम क्या यूज करते हैं, नंबर, एन यू एम नंबर। अब यहां पे नंबर टैप टैप कर पाओगे, नंबर वही लग गया ना इसके अंदर, ठीक है ना। पहले इतना नोट करो फिर और आगे बताता हूं। ठीक है, पहले इतना ये फॉर्म है ना सब नोट कर लें, नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, है ना, फिर आगे बताता हूँ। नेम, ईमेल, पासवर्ड, है ना, सी रेडियो, कॉलेज यूज करते हैं, सिलेक्ट बॉक्स, ऑप्शंस, अरे ऑप्शंस, ऑप्शन एटीएम, देखो दो लोग, देखो ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं,
ड्रॉप डाउन सिलेक्ट बॉक्स बोलते हैं, ये हमारा क्या है, सिलेक्ट बॉक्स है, ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स। और नीचे आओ, वीआर लगाता हूँ, एजुकेशन मैंने यूज किया चेक, चेक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने वैल्यू, ने डाली मैंने वैल्यू, रख दिया 10th, समय कौन आया भाई, जल्दी जल्दी नहीं आ जाते टाइम से पहले ही, चलो देखो ये क्या होते हैं हमारे, देखो सबको दिख रहा है चेक बॉक्स, देखो 10th किया है, हाँ किया है, 12th किया है, हाँ किया है, BCA किया है, हाँ किया है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हमने ये वैल्यू क्यों लिखी अंदर, ये है ना, ये वैल्यू क्यों लिखी हमने, अब यहां पे मैं वैल्यू को मत आपको समझाता हूं, देख ना, दिख रहा है आपको वैल्यू कहां सो रही है, सबको इनपुट के अंदर सो रही है, चलो जो मैंने लिखी है वैल्यू, ये वैल्यू ये कहां सो रही है, इनपुट बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये मैं हटा दूंगा तो नहीं सोगी, तो हम टाइप करेंगे, है ना, और मैंने वैल्यू पहले से फिल्ड कर दी इसके अंदर, अब वैसे मैंने यहां पे किया एजुकेशन, अब देखो एजुकेशन के अंदर आप तो लिख तो रहे नहीं हो, फिर सब लोग यहां पे लिख रहे हो कि हाँ ये 10th है, आप खुद से लिख रहे हो क्या कि भाई 10th या 12th लिख रहे हो क्या खुद से, आप तो बस क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो चेक बॉक्स पे 10th पे 12th पे या BCA पे, है ना, आप क्लिक ही तो कर रहे हो, तो अब क्लिक करने से वैल्यू कैसे उठेगी, क्लिक करने से वैल्यू कैसे उठेगी इनपुट में, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो 10th पे, है ना, जैसे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू उठ जाती है और डेटा बेस चली जाती है, जैसे आपने 12th के चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो ये वैल्यू चले जाती है, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये वैल्यू चले जाती है, भाई बस समझ में वैल्यू क्यों लगाई अपन ने, क्योंकि वैल्यू अपन खुद से कहाँ दे रहे हैं, यहाँ तो अपन दे रहे थे सब में ऊपर से अपन देते आ रहे थे, यहाँ तो अपन नहीं दे रहे ना वैल्यू खुद से, पॉइंट क्लियर। अब देखो मैं चाहता हूँ ये वैल्यू बनती है ये कोई चेंज ना कर पाए, ये वैल्यू कोई चेंज ना कर पाए, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, रीड ओनली, रीड ओनली, अब सिर्फ ये रीड होगी, चेंज भी नहीं होती है, आगे बात समझ में, रीड ओनली ओनली, बस समझ आया वैल्यू क्यों लगाया,